छेती तो छेती, क्योंकि अज लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, अज संविधान के नाल अपना हक मार मंग रहे हैं, इस करके सारे इकट्ठे होकर सरकार अज अपनी नींद चो जागन की लोड़ है। जे सरकार ना जागनगियां, क्योंकि जोड़ा राज अज वोट दा रहा, आने वाले टाइम से यह बीजेपी सरकार मोदी सरकार खत्म हो जाएगी, नवी सरकार संस्था चाहिए। 15 लाख आए बिहार में गए और कहे 50 करोड़ दे तू, 100 करोड़ दे तू, 10,000 करोड़ दे, अच्छा चलिए 5,000 करोड़ दिया। जा करके तमाम जगह खोल रहे हैं, आपका दक्षिण का दरवाजा इनके लिए बंद हो चुका है, यूपी में इनकी दुकानदारी साफ, बिहार में दुकानदारी साफ, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने वाले नहीं है, फटा हुआ जूता पहन के घूम रहे हैं। और उसके बाद लड़का कह रहा मोदी मोदी मोदी, ऐसे करने से होगा? आप भी तो कर रहे हैं ना मोदी मोदी, मैंने मैं मोदी करा ना आपने अभी, आपने करा ना, मैंने ये कमेंट किया है। हम गंगा जमुनी तहजीब, देखो जो भी सारे समाज में पता है कि जेड़ा डॉक्टर रितु सिंह ओहदे नाल किन्ना जुल्म होया, किन्ना तक्का आया जातवाद के आधार पर। देखो जेड़ा सिख पंथ है, खालसा पंथ है, असी किसी दे भी कोई भी जुल्म करता है साडा हक च खड़न का मसला सिख कौम शुरू तो खड़ती आई है। इस करके जी डॉक्टर रितु सिंह है उन्होंने जात के आधार पर वो धक्का किया गया, वो जुल्म किया गया, इस करके साडा पंथ खालसा असी यही आवाज़ उठाने अंबेदकर वासियों भी, जो कि साडा संविधानक हक बनता है, जिहड़ी कि प्रिंसीपल ने डॉक्टर रितु सिंह के नाल बदसलूकी की, जात पात के आधार पर की है, इस करके उस प्रिंसीपल से उन्होंने सस्पेंड किया जाना चाहिए छेती तो छेती, क्योंकि अज लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, अज संविधान के नाल अपना हक मार मंग रहे हैं, इस करके सारे इकट्ठे होकर सरकार अज अपनी नींद चो जागन की लोड़ है। जे सरकार ना जागनगियां, क्योंकि जोड़ा राज है अज वोट का राज है, संविधानक हक का राज है, आने वाले टाइम से जो सरकार ने बचना है, इस करके सरकार सोचन की लोग सारा अपना हक नहीं लेंदे उन्ना चिर तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी। सर क्या कहेंगे आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, डीसी ऑफिस तक जाना चाह रहे हैं लेकिन आपको रोक दिया गया है यहाँ पे? देखो ये सरकार सोचने की लड़ है, देखो एक संविधानक हक आ जिन्हों के नाल जुल्म होंदा, धक्का होंदा, डॉक्टर रितु सिंह के नाल तुसी आप देखो भी धक्का होया, जात के आधार पर भी धक्का होया, उंज भी उन्हों धक्के मार के एक हिसाब का उन्होंने कॉल चो कढ़िया गया प्रिंसीपल वालों, जो तो प्रिंसीपल से FIR दर्ज हो गई है उन्हों जरूर सस्पेंड करके जोड़ा कि वो परचे के आधार पर उन्होंने भरती सज़ा देनी चाहिए है, क्योंकि संविधानक हक आ। देखो अज अंबेदकर निवासी किन्ने लोग अंबेदकर मानते, डॉक्टर अपना हक मंगते संविधान का, जी सिख कौम है असी तो हर कद हक से खड़ने हैं, किसी ना भी जुल्म हो असी जात के किसी के खिलाफ नहीं, सारे साडे भरा ने, भावें हिंदू धर्म होवे, भावें मुसलमान होवे, भावें ईसाई होवे, भावें सिख होवे, असी हर कद नाल डट के खड़ते हैं, पर जिदे नाल भी जुल्म होएगा सिख पंथ सिख कौम हर वेले डट के खड़ेगी। आप देख रहे हैं विपक्ष को भी टारगेट किया जा रहा है, सांसद संजय सिंह और तमाम सांसदों पर ईडी गिरफ्तार भी कर रही है लगातार, क्या कहेंगे ये किस तरीके से लोकतंत्र में ये सब हो रहा है? देखो ये लोकतंत्र का कान हो रहा है ना, एक देखो सरकार लोग वोटा पाते हैं कितनी खुशी ने सरकार चुनते हैं भी सानू हक मिलने, सानू कोई फायदा होगा, साडे बच्चे पढ़नगे, साडे बच्चों नू वधिया नौकरी मिलेगी, जां कोई होर साडा पंजाब का सरदार जां इंडिया का पूरे भारत के लोग सुधरनगे, साडे बच्चे का भविख बनेगा, साडे भारत के बच्चे सब तो ज्यादा देशों विदेशों में भजदे जा रहे हैं, इस करके सरकारों सोचने की लड़ है। जो सरकार ने आने वाले टाइम से भारत से इन्होंने राज करना है तो संविधान के बराबर सारे बराबर का हक मिलना चाहिए, तो जे ना मिले आने वाले टाइम से यह BJP सरकार मोदी सरकार खत्म हो जाएगी, नवी सरकार संस्था चाहिए तो नहीं चलता, जोड़ा उन्होंने नहीं मानता वो ED के रेटा भी पाएंगे, उन्होंने नजायज परचे भी करे, ये असी देखना लोगों ने देखना भी जे साडा संविधान के हक से सानू नहीं बराबर का हक दिया जा रहा, साढ़े धक्के हो रहे, असी इकट्ठे हो के सरकार के खिलाफ आवाज़ चकीए, किसानी संघर्ष चलिया ही तुहानू पता ही है, खीरते सारे लोग इकट्ठे हो गए, पूरा भारत ने साथ दिता, देश विदेशों ने साथ दिता, तो हुण वाले टाइम सरकार झुकनी, विकास तुहानू पता ही सारे बच्चे तो बाहर भज गए देशों विदेशों से, किन्ना के भारत का विकास हो रहा, किन्ने के साडे एजुकेशन फ्री दी जा रही, किन्ने के बच्चे वध पढ़ रहे, कई थावां ते स्कूल ही बंद हो रहे, इस करके तो ये जो प्रोटेस्ट है आप लोगों का जो मार्च है वो किसके लिए है, निहंग सिख को क्यों आना पड़ रहा है? देखो निहंग सिख ते किते भी जुल्म होवे, देखो जो गुरु रंगजेब बादशाह सी उन्हें किन्ने जुल्म किते सारे ने पता है, उदो भी सिख कौम ने गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता की कुरबानी सनातन धर्म लिए दी सी, ये भारत देश लिए दी सी, इस करके साडा जिथे भी जुल्म हुंदा है असी उहदे नाल जाके खड़दा, जिहदे नाल किसे नाल जुल्म होवे कोई जात दा होवे असी जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, डॉक्टर रितु सिंह ना जुल्म होया असी डॉक्टर रितु सिंह ना डट के उदा साथ दे रहे हैं।
प्रिंसिपल जो बैठी हुई है वो कोई जवाब नहीं दे रही है, वो इतने बड़े पद पे बैठी हुई है, उनकी वजह से इतना करप्शन हो रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही है। मतलब ये इतना ज़्यादा मिसयूज अपनी पावर का, ये कभी नहीं होना चाहिए। एज बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे वो अपने कॉलेजेस में तो वो एलुमिनाई बोर्ड्स लगा लेते हैं कि ये बच्चा हमारे कॉलेज से निकल के ये बन के गया है, ये बच्चा हमारे कॉलेज से निकल के ये बन के गया है, सिर्फ इसीलिए, सिर्फ डेकोरेशंस के लिए हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स को अपना हक भी चाहिए। और डॉक्टर रितु जो हमारे लिए खड़ी है वो एक बहुत बड़ी आवाज़ है। एससी एसटी माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता नहीं है अभी कि वो किसके पास जाएं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, डॉक्टर रितु हमारे लिए खड़ी हुई है। तो ये सबके लिए इंस्पिरेशन है जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग उस कॉलेज में अब भी हैं, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी भी ये सब फेस कर रहे होंगे लेकिन वो बोल नहीं रहे, इस रैली को देख के, ये सब देख के अब वो भी आगे आएंगे। और वो लोग भी मिसयूज पावर का तो विपक्ष को लेकर के भी कह रहे हैं कि हो रहा है कि गिरफ्तार कर ले रहे हैं सांसद संजय सिंह जैसे तमाम नेताओं को, क्या कहेंगे फिर उसके? सर देखो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार सिर्फ ईडी का यूज करते हैं, सीबीआई का यूज करते हैं, आज किसी को भी वो अपने हैजेक करते हैं, किसी के ऊपर वो आरोप लगा देते हैं। अगर आज डॉक्टर रितु जी संघर्ष कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, कल जैसे हमारे पायल तड़वी के साथ हुआ, डॉक्टर रोहित बेमूला के साथ जैसे हत्या कर दिया गया, ऐसे हमारे समाज में फिर से नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग इस देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जातिवादी प्रिंसिपल ये अपने आप को ये दिखाता है कि हम लोग, मैंने को एससी एसटी रिजर्वेशन वुमेन बिल रिजर्वेशन उन्होंने निकाला है जो कि 2026 या 2019 तक आएगा, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं औरतों के लिए, अभी वो क्या कर रहे हैं? क्या पाया ये बताइए, गोदी मीडिया की है आप? गोदी मीडिया की है? अगर सवाल कड़वा पूछेंगे तो ये हो गया गोदी मीडिया। नहीं नहीं, गोदी मीडिया मैं कह रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने सवाल का जवाब, कौन सा सवाल का जवाब नहीं दिया हूँ? अरे जिस देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के पैरों में गिर करके संजय मिश्रा को का कार्यकाल बढ़ा रही थी, उस ईडी को आप स्वतंत्र कहेंगे? आपको खुश होना चाहिए कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबको जेल डाल रहा है भ्रष्टाचारियों को। इतना जो है गहरा गुजरा प्रधानमंत्री मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा। देवता जैसे प्रधानमंत्री हैं। आपके लिए देवता होंगे। हाँ, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए प्रधानमंत्री नहीं है, आप प्रधानमंत्री को नहीं मानते? मैं राजा बाबू को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं मानता हूँ। हाँ, विदेशों में एक चुटकुला प्रचलित है कि हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के नागरिक गजबे की। चाचा हेमंत सोरेन और अभिषेक बनर्जी भी गिरफ्तार होने वाले हैं, आप सुन लीजिए। रवीश कुमार भी होगा, तुम्हारा चहेता पत्रकार, आप सुन लीजिए, पहले सुनिए। जेल में डाले जाएंगे आप। आप सुन लीजिए, जेल से कौन डरता है? आप ही डरते हो। हम डरते हैं, भाजपा के खिलाफ गाने गाते हो। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की तरह बाजुए आरएसएस वाले और बीजेपी कातिलों में है। आप गरीबों को बांटने का काम कर रहे हैं। गरीबों को बांटने का काम यह सरकार करती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। 2024 में पूरा विपक्ष जेल के पीछे होने वाला है। 2024 में पूरा विपक्ष जेल के पीछे होने वाला है। तो इमरजेंसी लगा देना, डिक्टेटरशिप कर दे, भ्रष्टाचार मुसलमानी हो जाए, हिटलर हो जाए, और जब चुनोगे तो यही भोगना पड़ेगा। ये इस तरीके के शब्दों में कोई भी मोदी जी के सामने, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म का पालन करना बताएंगी? चाचा मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस अगर हिंदुओं को सब कुछ दे देगी। अच्छा, नहीं है। सुनिए ना सवाल, कांग्रेस अगर आसाराम के शिष्य है, आप सवाल तो लीजिए। आसाराम के वहाँ मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस अगर हिंदुओं को सब कुछ दे देगी, चरित रहा है वैसा इनका। आसाराम बताइए, एक रेप के आरोपी आप बोले उनके यहाँ ट्रेनिंग पाए हैं और कहाँ पाए हैं? और कहाँ पाए हैं?
इस तरह से कोई करता है मंच से तो दबा गोल करेगा कांग्रेस। अरे ये सुनिए, और एक बीसीआई मैच कहीं विदेश में चल रहा था, इस तरह से कर रहा था चाचा कांग्रेस भाई। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर हिंदुओं को सब कुछ दे देगी जनजाति जनगणना में तो मुसलमानों को क्या मिलेगा? कौन कह रहा है? मोदी जी। कब से मोदी जी मुसलमानों के हित ऐसी हो गए? अल्पसंख्यक को क्या मिलेगा? गोधरा के का हत्यारा कैसे? ना मस्जिद बचेगी ना मजार बचेगा। मैं पूछ रहा हूँ गोधरा का हत्यारा अब कहाँ अलाप छेड़ने लगा मुस्लिमों का? उस बिलाव कैसे ये शिकारी मुसलमानों का शिकारी आरएसएस और बीजेपी? लोग तो कह रहे 9 साल में पहली बार अल्पसंख्यक शब्द आया है मोदी जी के मुँह पर। हाँ, चाय लगी फटने, खैरात लगी बटने। अब अश्लीलता मत फैलाइए आप तमाम इधर उधर के जोक मार रहे हैं। बटने खैरात लगी बटने बात कर रहे हैं मोदी जी, बात जो कर रहे हैं। पार्लियामेंट में पंडित राहुल गांधी ने कहा है वो सत्य होते जा रही है। मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत बता दे रहा हूँ कि इस देश की गोदी मीडिया सबसे बड़ा आतंकवादी मीडिया के रूप में तब्दील हो चुका है। इसमें तमाम लोगों ने टिप्पणी की है और सुनिए मैडम इस तरफ देखिए। हाँ सुनिए मोहतरमा, सुनाइए। विदेश में एक चुटकुला है कि हिंदुस्तान के नागरिक गजबे का है कि अपने मनोरंजन के लिए एक प्रधानमंत्री भी चुन लिए। अच्छा 15 लाख आए बिहार में गए और कहे कि 50 करोड़ दे दू, 100 करोड़ दे दू, 10,000 करोड़ दे दू, अच्छा चलिए 5,000 करोड़ दिया। और जाकर के तमाम जगह खोल रहे हैं, आपका दक्षिण का दरवाजा इनके लिए बंद हो चुका है, यूपी में इनकी दुकानदारी साफ, बिहार में दुकानदारी साफ, मध्य प्रदेश और राजस्थान झांकी है, तेलंगाना मिजोरम और छत्तीसगढ़ बाकी है। कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा कैसे 24 में तमाम जनता जो है ना लहर में है, कहा उनके साथ 300 सीट लाएंगे। अरे भैया आप जैसे अंधभक्त साथ होंगे और कौन हो सकता है? दिमागी रूप से जो दिवालिया हो चुका है, बाप की चड्ढी फटी हुई है, घर में खाने के नेवाले नहीं है, फटा हुआ जूता पहन के घूम रहे हैं, और उसके बाद लड़का कह रहा मोदी मोदी मोदी, ऐसे करने से होगा? आप भी तो कर रहे हैं ना मोदी मोदी। मैंने मैं मोदी करा ना आपने अभी आपने करा ना मैंने ये कमेंट किया है। हाँ हम गंगा जमुनी तहजीब भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम तो मोहब्बत के व्यापारी हैं, विरोधी हैं नफरत के बाजार में, विरोधी हैं।